हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप दोस्तों। आज मैं आपको बताने वाला हूँ सैमसंग की एक ऐप के अपडेट के बारे में, जो कि बहुत ही कमाल की ऐप होती है, जिसका नाम है बिक्सवी विजन। ये सैमसंग की ए सीरीज़ में, सैमसंग की एस सीरीज़ में और सैमसंग के एम सीरीज़ में कुछ मॉडल्स में और एफ सीरीज़ में कुछ मॉडल्स में मिलता है आपको बिक्सवी का ऑप्शन। तो बिक्सवी की ऐप होती है बिक्सवी विजन, बहुत ही कमाल की ऐप होती है और बहुत ही अच्छा इसका यूज़ है। आगे आपको बताने वाला हूँ उसके नए अपडेट के और नए फीचर के बारे में। आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी दबा देना, ताकि ऐसी नई अपडेट आपको सबसे पहले मिले। तो चलते हैं दोस्तों आगे। मेरा नाम सनी और आपका स्वागत है मेरे चैनल ऐसे टेक में। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया, मैं आपको बता रहा हूँ बिक्सवी विजन के नए अपडेट के बारे में। तो उसके लिए आपको यहाँ पर चले जाना है अपने सर्च में, या फिर ऐप वाले में आपको बिक्सवी विजन की ऐप को सर्च कर लेना है। तो ये आपको मिल जाएगी बिक्सवी विजन की ऐप। इसको ओपन करने के बाद आपको जाना है थ्री डॉट्स पे, यहाँ जाना है सेटिंग्स पे। सेटिंग्स पे जाने के बाद आपको यहाँ पर मिलेगा अबाउट बिक्सवी का ऑप्शन, और आप देखेंगे एक नया अपडेट यहाँ पर अवेलेबल मिल रहा होगा। तो आपको इसको कर लेना है अपडेट। अपडेट पे जाने के बाद आप देखेंगे ये अपडेट के लिए ऐसा बता रहा है। तो आपको अगर यहाँ से नहीं जाना तो आप डायरेक्ट यहाँ से भी जा सकते हैं, गैलेक्सी स्टोर में जाके। यहाँ गैलेक्सी स्टोर में जाएंगे, यहाँ जाएंगे, यहाँ पर भी आपको मिल जाएगा बिक्सवी विजन का अपडेट का ऑप्शन। यहाँ पर जाएंगे तो आप देखेंगे इसमें क्या क्या नया चीज़ें यहाँ पर एड ऑन की गई है। तो यहाँ पर तीन चीज़ें यहाँ पर एड ऑन की गई हैं, बोल सकते हैं तीन चीज़ें चेंजेस किए गए। तो पहले तो कर लेते हैं अपडेट। अपडेट होने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या चेंजेस है। तो दोस्तों, फाइनली हो चुका है अपडेट। अपडेट में आप देखेंगे यहाँ पर तीन नए फीचर को एड ऑन किया गया है। सबसे पहला, फॉर इंट्यूटिव एंड कन्वीनियंट यूज द यूजर इंटरफेस हैज बीन इम्प्रूव। यूजर जो इंटरफेस है ये थोड़ा चेंज कर दिया गया है। साथ में द जूम फंक्शन कैन बी यूज्ड ऑन द सर्च रिजल्ट स्क्रीन। सेपरेट एसिबिलिटी फीचर हैज बीन ग्रुप इनटू वन एसिबिलिटी मोड फॉर वन कन्वीनियंट। तो आपको इसको अपडेट करने के बाद ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आप देखेंगे सबसे पहले जो उसका है ना, एटमॉस्फेयर पूरा चेंज कर दिया गया है। पहले ये जो ऑटो वाला ऑप्शन आता था ये सब ऊपर आता था, ये टैग्स वाला ऑप्शन आता था, टैग डिस्कवर वाला, ऐसा पूरा लिखा हुआ नहीं आता था, सबको अलग अलग कर दिया गया है। यहाँ पर आप देखेंगे अच्छे से सबको यहाँ पर डाल दिया गया है। तो उसको यूज कैसे करते हैं अगर आपको नहीं पता, मैं छोटा सा आपको इंट्रो दे देता हूँ। लाइक कोई टैक्स है, हमें अगर उसको कन्वर्ट करना हो टैक्स को, तो आप यहाँ पर जाएंगे। लाइक ये टैक्स लिखा है, आपको दिख रहा होगा ये टैक्स यहाँ पर लिखा हुआ है। तो मैंने यहाँ पर क्लिक करूंगा तो यह आप देखेंगे फाइंड सम टैक्स। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो वो टैक्स को फाइंड कर लेगा और उसको कैप्चर कर लेगा। तो कहीं भी अगर कोई टैक्स लिखा हो तो उसको कैप्चर कर सकता है, या अगर कोई कन्वर्टिंग करनी है तो आप यहाँ से कन्वर्ट का भी ऑप्शन कर सकते हैं। कोई दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट में जाके आप उसको दूसरी लैंग्वेज में कर सकता है। देख सकते हैं आप, यह हो गया है, उसने डिटेक्ट कर लिया है। आपको जो भी करना हो उसमें, कॉपी करना हो तो यहाँ से कॉपी कर सकते हैं, ट्रांसलेट करना हो तो ट्रांसलेट भी कर सकते हैं, और चाहे तो आप उसको सर्च भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर ट्रांसलेट का ऑप्शन है। अगर कोई दूसरी लैंग्वेज में कुछ लिखा हुआ है तो आप यहाँ से उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं, कोई सी भी लैंग्वेज में, वो भी मैं आपको बताता हूं। तो ट्रांसलेट वाला ऑप्शन कैसे वर्क करेगा आप देख रहे होंगे। जैसे यहां पर कुछ लिखा हुआ है, अब मैं आया है ट्रांसलेट पे, अब मैं यहां ट्रांसलेट पे गया तो आप देखेंगे जैसे उसने घड़ी को भी कन्वर्ट कर दिया था। अगर मैं यहां पर आऊंगा, मैंने यहां पर क्लिक करा तो वो देख लेगा और उसको कन्वर्ट करके आपको बता देगा। आप देखेंगे सर्चिंग चलेगी कुछ टाइम बाद, वो आपको यहां पर क्लिक करना है, थोड़ी देर रोकना है, फिर वो आपको बता देगा। आप देख रहे होंगे बता दिया, झटपट प्रमाण मार्गदर्शन वो सब चीज़ें लिखी। आप चाहें तो कॉपी भी कर सकते हैं, इमेज में भी उसका यूज़ कर सकते हैं। एक चीज़ ये हो गई, एक हो गई डिस्कवर वाला ऑप्शन। डिस्कवर वाला ऑप्शन क्या, जो चीज़ आप देखेंगे वो चीज़ को सर्च करके बता देगा। लाइक मेरी वॉच है, अगर मैंने वॉच पे यूं करा, आपको दिख रहा होगा क्लियरली विजिबल, मैं वॉच पे आया, यूं करा और मैंने एक यहाँ पर लुकिंग फॉर एनालाइज करा, ठीक है, वो अब आपके सामने बता देगा ये क्या चीज़ है। वो बता देगा वॉच है या सब उससे रिलेटेड चीज़ें आपको बता देगा। ये आपको सब चीज़ें यहाँ पर मिल जाएंगी। ये बहुत अच्छी फीचर है। वॉच हो या कोई भी चीज़ हो, आपको नहीं पता क्या चीज़ है तो आप यहाँ पर सर्च करेंगे, वो सर्च करके आपको बता देगा। उसके बाद दोस्तों सेकेंड फीचर ये दिया गया था, जब जूम फंक्शन कैन बी यूज्ड ऑन द सर्च रिजल्ट। आप सर्च रिजल्ट में जूम फंक्शन का यूज कर सकते हैं। कैसे, तो सेकेंड फीचर ये है कि अगर आप कोई फोटो को खींचते हैं यहाँ पर डिस्कवर में, तो आप इसको यहाँ पर जूम इन जूम आउट करके भी देख सकते हैं। सेकेंड फीचर ये वाला एड ऑन यहाँ पर किया गया है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो थर्ड फीचर दिया गया है, आप देखेंगे एसिबिलिटी वाला जो ऑप्शन है उसके जो भी पार्ट से सबको एक ही में ग्रुप में कर दिया गया है। पहले क्या होता था, लाइक यहाँ ओपन करेंगे तो एसिबिलिटी में जाएंगे तो पहले ये जो स्क्रीन डिस्क्राइबर लिखा है, ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर, टेक्स्ट रीडर, कलर डिटेक्शन, ये सब अलग आते थे, बट ये अब सब एक ही में आपको मिलेंगे एसिबिलिटी के अंदर। आप डायरेक्ट एसिबिलिटी में जाएंगे और डायरेक्टली उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इनको सब एक ग्रुप में डाल दिया गया है। यहाँ पर आप देखेंगे अगर इसका यूज कैसा है, मान लो मैंने ये कैप्चर करा, तो मैंने यहाँ पर ये चीज़ को यहाँ पर कैप्चर करा, आपको दिख रहा होगा मैंने यहाँ कैप्चर करा,
तो ये यहाँ पर ये आपको बता रहा है ये क्या चीज है, उसने बोला होल्डिंग अ हैंड, होल्डिंग अ कार्ड। और अगर आप ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर में जाएंगे और अब जब कोई फोटो क्लिक करेंगे तो वो चीज बताएगा कि ये चीज क्या है। बिजनेस कार्ड, अब उसने क्या बताया, business card. ये बिजनेस कार्ड है। और टैक्स अगर आपको रीड करना हो तो वहां जाएंगे तो ये पूरा टैक्स रीड करके बताएगा। तो आप देखेंगे एक एक चीज रीड करके बताएगा। और कलर डिटेक्शन पे जाएंगे तो ये कलर को वहां पर यहाँ कलर बताएगा आपको, राइट कह रहे हैं, तो ये आपको कलर बताएगा कौन सा कलर है। आपको कलर को कोई फाइंड करना हो तो आप डायरेक्ट वहां जाके उसका कलर को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बहुत ही कमाल के नए फीचर एड ऑन किए गए थे इसके अंदर जो कि मैंने आपको बताया। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो थैंक यू। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ही मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक जरूर करें। और अगर आपको लगता है दोस्तों मेरी वीडियो कुछ कमी है तो मुझे डिसलाइक भी कर सकते हैं, या फिर अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं इस वीडियो से रिलेटेड या कुछ भी, आप मुझे डायरेक्टली कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप मुझे चाहें तो फेसबुक पर भी डीएम कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर भी डीएम कर सकते हैं। और सबसे जरूरी यार फेसबुक पर मुझे जरूर फॉलो करें, क्योंकि मैं फेसबुक पर बहुत जल्दी नए अपडेट्स डालता रहता हूँ। और बाकी सबसे जरूरी चीज़, अगर अभी तक आपने मेरे को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी दबा देना। हो सके तो चैनल को शेयर जरूर करना अपने दोस्तों तक, ताकि मेरे जल्द से जल्द 20K कंप्लीट हो सके। तो थैंक यू।